वेलकम अगेन। सो आज ये हमारा फोटोशॉप का क्लास नंबर 3। तो पिछले जैसे क्लास में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के बारे में, एक्चुअली फोटोशॉप क्या होता है, और उसके बाद आपको दिखाया था कि इसका जो इंटरफेस है वो किस तरह दिखने में। ओके, तो आज से जो हमारा क्लास शुरू हो रहा है वो बेसिकली आज से हमारा जो टूल्स वगैरह के ऊपर शुरू हो रहा है, और किसे कैसे हम न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं फोटोशॉप के अंदर, उसके बारे में आज से हम डिस्कस करेंगे। और आज से जो क्लास आगे आएंगे उनमें हम देखेंगे इसके अंदर जितने सारे टूल्स हैं, पहले तो टूल्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद एडिटिंग सीखेंगे। और कौन सी ऐसी चीजें आपको बताऊंगा, मैंने बहुत सारा ऐसी चीजें आपको बताऊंगा इसके अंदर जिसको आप यूज करके अपने जो डेली लाइफ के रूटीन में बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं इजीली। ओके, इस टूल को यूज करके जितने भी टूल्स है जो कि आपको बाहर कोई नहीं बताएगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करती है। तो देखिए ये हमारा फोटोशॉप का जो इंटरफेस है आप देख सकते हैं अभी मेरे स्क्रीन में। तो पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको काम करने के लिए एक जगह लेना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं फोटोशॉप के अंदर वर्क स्पेस। काम करने के लिए जिस जगह को यूज किया जाता है उसे फोटोशॉप में कहा जाता है वर्क स्पेस। और एक होता है डैशबोर्ड और एक होता है आर्टबोर्ड जिसका थोड़ा डिफरेंट काम होता है। तो पहले तो हम जानेंगे वर्क स्पेस को क्योंकि इसे यूज करेंगे हमारे डेली लाइफ में। आर्टबोर्ड का थोड़ा अलग ही काम है तो उसे हम बाद में जानेंगे। ओके, तो पहले हमें एक वर्क स्पेस बनाना पड़ेगा। ओके, जिसके अंदर हम काम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आप फाइल टैब में जाइए, वहां पर क्लिक कीजिए। पहले नंबर पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ न्यू, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल एन। तो आप कंट्रोल एन या फिर यहां पर जाके फाइल में न्यू के ऊपर क्लिक करते ही आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट का स्पेशल विंडो दिखाई देगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन में। तो ये जो विंडो आ गया आपके सामने पॉपअप होके, इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको हम एडजस्ट करके हमारा जो वर्क स्पेस को डिजाइन कर सकते हैं जिसके थ्रू हम आगे जाके काम करेंगे। ओके, तो पहले तो आपको ऊपर कुछ चीजें को बता देता हूँ कि ये जो चीजें ऊपर दिखाई दे रहा है ये क्या है। देखिए पहले तो दिया है रिसेंट के अंदर आप दो ही चीजें यहां पर देख सकते हो। एक तो एक कस्टम 1080x1080 पिक्सल्स, राइट साइड में डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज 7x5 इंचेस। ये फोटोशॉप का कुछ डिफॉल्ट साइज दिया गया है जो कि रिसेंटली यूज किया गया है। इसका मतलब आप राइट साइड में जो भी साइज लेके काम करेंगे, मतलब कि पिछले वाले क्लास में या फिर पिछले वाले प्रोजेक्ट में, पिछले वाले जो डॉक्यूमेंट में आप जो कुछ काम किए होंगे वो सभी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देगा रिसेंट के अंदर। तो ये जो रिसेंट था इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि कौन सी चीज आप किए थे पिछले वाले जो प्रोजेक्ट में। ओके, तो ये था रिसेंट। इसके अंदर हम देख सकते हैं रिसेंटली यूज किया गया या फिर रिसेंटली ओपन किया गया फाइल या फिर डॉक्यूमेंट। इसके अलावा ऊपर सेव, फोटोज, प्रिंट, इलस्ट्रेटर, वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियोस, इसी तरह की बहुत ही सारे आपको दिया गया है यहाँ पर प्री सेट। इसको कहते हैं प्री सेट, इसका मतलब प्री डिजाइन, पहले से सेट किया गया फॉर्मेट जिसे हम बोलते हैं प्री सेट। तो देखिए यहाँ पर सेव दिया गया है, सेव का क्या काम क्या है आगे जाके बताऊंगा। फोटोज देखिए, फोटोज को आप किस तरह से एडिट कर सकते हैं और कौन सी ऐसी वर्क स्पेस है जिसमें ये एडिट होता है, इससे हम जानने के लिए फोटो में आके यहाँ पर देख सकते हैं। फोटोज के अंदर आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप का रेशियो दिया गया है। उसी तरह की प्रिंट के, जैसे आपको पता होगा प्रिंट करते समय आपके जो पेपर साइज वो तो जानना पड़ेगा, जैसे कि A4 मान लो, A6, A5, इसी तरह की प्रिंट के सेक्शन में बहुत सारे आपको रेशियो दिखाई देगा। आर्ट एंड इलस्ट्रेटर यहाँ पर भी दिखाई देगा। वेब जो मोबाइल में ऐप बनाया जाता है, जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है विंडो के लिए हो या फिर जो एंड्रॉइड के लिए हो, मतलब कि आपकी जो डिजाइन किया जाता है, आपका जो डिजाइन किया जाता है पिक्चर, उसी के हिसाब से आपके यहाँ पर दिया गया है रेशियोस। उसी तरह मोबाइल में, मोबाइल में दिया गया है, आप जिस भी डिजाइन को बनाना चाहते हैं, जिस डिजाइन को बनाना चाहते हैं आप यहाँ पर देख के उसका साइज नाप सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा कुछ टैब ऊपर जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा न्यू डॉक्यूमेंट के विंडो में। तो इसके अलावा जो मेन चीज है, मतलब कि जो राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, इससे हमारा जो मेन फोकस है इसके ऊपर। ओके, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको यहाँ पर देना पड़ेगा नेम, मतलब कि हर चीजों को अगर आप ऑर्गेनाइज करके रख रहे हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट में है, आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा ढूंढने के लिए उसे अपने लोकेशन में। पर अगर आप मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट बना लिया हो और उसे सेव करना भूल गए हो, तो कोई बात नहीं, पिछले आप जब एडिट कर देते हो या फिर बना देते हो किसी भी चीज को, वापस आप लास्ट में जाके उसे सेव कर सकते हो किसी भी लोकेशन पे। पर अगर फिलहाल आप पहले से भी सेव कर देते हो तो और भी अच्छा होगा आपके लिए। ओके, तो मान लो मैंने सेव किया
क्लास थ्री। ओके, तो पहले मैंने यहां पर क्लास थ्री रिनेम कर दिया। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे देखिए यहां पर दिया गया है विड्थ एंड हाइट। विड्थ मींस आपकी चौड़ाई, हाइट आप जान सकते हैं हाइट। तो ये जो चौड़ाई और हाइट, मतलब कि विड्थ एंड हाइट, ये जो दोनों चीजें, ये क्या है, ये हमारा जो कैनवास है उसका साइज है। मान लो आप कोई भी बैनर या फिर कोई भी फ्लेक्स कह सकते हो बना रहे हो, उसको प्रिंट करने के लिए आपको जैसे जाके आप स्टूडियो में जाते हो और पूछते हो कि भाई मुझे एक 3 या फिर 3-6 ऐसे कोई बैनर बनाना है या फिर कोई फ्लेक्स बनाना है, तो वो आपको पूछते हैं कि कितने साइज में बनाना है या फिर कितने फुट में बनाना है, तो आप बता देते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी आपको साइज डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया गया है हाइट एंड विड्थ। तो ये जो हाइट एंड विड्थ दिया गया है उसको भी नापने के लिए कुछ पैरामीटर्स दिया गया है। जैसे कि मान लो यहाँ पर राइट साइड में लिखा हुआ है पिक्सेल्स। तो ये जो पिक्सेल्स होता है क्या होता है, मैंने आपको बताया था पिक्सेल के ऊपर डिपेंडेड है फोटोशॉप, क्योंकि ये एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो ये जो पिक्सेल है, हमारे जितने भी मोबाइल में फोटोज आप देख रहे हैं वो सारे पिक्सेल के ऊपर डिपेंडेड है। और एक बात यहाँ पर दिया गया है इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट, पिकास। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर दिया गया है, जिसको आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो ये कंप्यूटर के लिए, मतलब कि मोबाइल के लिए डिजाइन किया गया है, मतलब कि मैं अभी फिलहाल कर रहा हूँ मोबाइल के लिए, तो इसलिए मैंने पिक्सेल रखा हुआ। ओके, जब आप बैनर बनाएंगे तो सेंटीमीटर या फिर इंचेस में बनाएंगे। ओके, आपको पता होगा बैनर आप आगे जाके बनाना सीखेंगे, जब बनाना सीखेंगे तब आप जान लोगे। ओके ओके, तो अभी आपको क्या करना है ना, आपको ये जो पिक्सेल्स है इसे रख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर विड्थ और हाइट जितना आपको चाहिए, जैसे कि मैंने मान लो कोई बैनर का साइज जैसे कि 1920 विड्थ रख रहा हूँ, 1080 हाइट रख रहा हूँ। ओके, तो ये जो 1920 और 1080 इसका मतलब क्या है, मान लो आपको 1920 विड्थ रहेगा, मींस इसका जो चौड़ाई है वो 1920, मतलब 1920 पिक्सल्स। पिक्सल मतलब आपकी इस तरह से एक छोटे छोटे स्क्वायर ब्रैकेट है जिसको लेकर 1920 पिक्सल को लेकर एक कैनवास बनता है जिसका विड्थ है 1920। तो ये जो है ये क्या है, मतलब कि हाइट से ज्यादा है या फिर हाइट से कम है, हाइट से ज्यादा है। तो अगर हाइट से ज्यादा होता है तो ये कौन सी फॉर्मेट में देखना मिले, तो ये कौन सी फॉर्मेट में दिखाई देगा, ये हॉरिजॉन्टली। ओके, इसका जो ओरिएंटेशन है, मान लो इसका मैं कमा दूंगा अभी थोड़ा 1000 कर दूंगा। ओके, देखो ये ऑटोमेटिकली पोर्ट्रेट वाइज हो गया, मतलब कि आपके जो लैंडस्केप था वो पोर्ट्रेट में कन्वर्ट हो गया। तो मान लो इसे मैं 1920 रख लेता हूँ। ओके, तो पहला आप तो रिनेम कर दोगे डॉक्यूमेंट को, उसके बाद विड्थ और हाइट जो भी देना चाहिए दे दो, उसके बाद उसका पिक्सल या फिर इंचेस, सेंटीमीटर ये आप दे कर लेना कौन सी फॉर्मेट में रखना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है कि रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन क्या होता है ना, आपकी वन टाइप ऑफ क्लैरिटी। तो इससे मान लो आप मोबाइल में कोई चीज बना रहे हो तो 72 या फिर 100 इसके अंदर आप रखना, इसके मैं मान लो 100 में रख रहा हूँ। और इसके भी आपको दिया गया है दो तरह की पैरामीटर्स, जैसे कि पिक्सल पर इंचेस, पिक्सल पर सेंटीमीटर। इससे हम पिक्सल पर इंचेस ही रखेंगे, आप भी पिक्सल पर इंचेस रख लो। पर याद रखो, जब भी बैनर को प्रिंट करवाना है आपको, कोई फ्लेक्स बनाना है और उसे प्रिंट करवाना है, तो ये जो रिजोल्यूशन है इसको 200 से ज्यादा रखो, अराउंड 300। ओके, तो ये था। और एक था कलर मोड इसके नीचे। ओके, अब देखिए इसके नीचे एक चीज दिया गया है जिसको बोलते हैं कलर मोड। तो ये जो कलर मोड दिया गया है, ये अभी आपको दिखाई दे रहा होगा आरजीबी कलर, और उसके राइट साइड में 8 बिट। पहले आप तो देख लीजिए 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, ये जो चीजें दिया गया है उसको आगे जाके समझाऊंगा। पर आप मान लें कि जितने भी आपके मोबाइल में जितने भी पिक्चर आप देख रहे हैं वो सारे 8-bit में ही डिजाइन किया गया है, तो आप 8-bit रख लेना, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर होगा। उसके बाद आ जाना कलर मोड में। ये जो RGB कलर दिया गया है आपको, ये RGB कलर के अंदर आपको बिट मैप, ग्रे स्केल, CMYK कलर, लैप कलर दिया गया है डिफरेंट टाइप के। ये जो ग्रे स्केल और RGB दिया गया है, RGB मीन्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा क्लास है कलर के ऊपर। पर फिलहाल अभी जान लीजिए कि RGB जो है मोबाइल में डिजाइन किया, जो मोबाइल में डिजाइन किया जाता है जिस बैनर को, उसे आरजीबी में क्रिएट किया जाता है। सीएमवाई के प्रिंट के, जब आप प्रिंट करते हैं किसी भी चीज को तब सीएमवाई का रखा जाता है। और जो ग्रे स्केल होता है ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट कैनवास पे अगर आप कोई भी कलर चीज डालेंगे तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही आएगा। ओके, तो हम इसे आरजीबी रख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ एडवांस ऑप्शन दिया गया है, sRGB, आरजीबी इमेज। तो यहाँ पर डोंट कलर मैनेज यहाँ पर कुछ दिया गया है, मतलब देखिए ये जो sRGB क्या होता है, मैंने आपको यही बता देता हूँ। यहाँ पर तो देख दिया गया है RGB, sRGB, डोंट कलर मैनेज, एडब RGB 1980, एप्पल RGB, ये सब दिखाई देने वाले कलर, मतलब कि
कुछ टाइम ऐसा होता है, मान लो आप लैपटॉप में हो या फिर कंप्यूटर में हो, कोई फोटो डिजाइन कर रहे हैं, उससे सेव कर देते हैं, उससे वापस अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर देते हैं, और आपको लगता है कि नहीं ये मेरे कंप्यूटर में कुछ अलग ही दिख रहा था और अभी फिलहाल मेरे मोबाइल में कुछ अलग दिखाई दे रहा है। तो वो जो डिफरेंशिएशन होता है ना, उससे करेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया एडवांस में, sRGB, इससे आप ऑन रखेंगे, और स्क्वायर पिक्सल, ओके इससे आप स्क्वायर पिक्सल ही रखेंगे और कुछ नहीं, इतनी ही चीज आप यहाँ पर कर लेंगे। और एक बात, अगर मान लो कोई भी चीज, मतलब कोई भी रेशियो का आप डॉक्यूमेंट ले रहे हैं और बार बार उसी डॉक्यूमेंट का काम आपको ज्यादातर पड़ रहा है, तो उसे आप सेव करके रख सकते हैं। मान लो मैं इस रेशियो में बहुत ही ज्यादा काम कर रहा हूँ हर वक्त, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस जो फॉर्मेट है, अभी जो सेटिंग्स मैंने किया है न्यू डॉक्यूमेंट के विंडो में, इससे मैं सेव करके रखना चाहता हूँ, जिसके थ्रू मैं बार बार बनाना नहीं पड़ेगा मुझे, मैं बार बार इसे यूज कर सकता हूँ सिर्फ एक क्लिक के माध्यम से। तो इसीलिए मैं क्या करूँ ना, यहाँ पर देखिए जो हम रिनेम किए थे इस क्लास को, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट साइड में एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको माउस के बटन को लेना है और क्लिक करना है, तो इसके बाद आपको देगा सेव डॉक्यूमेंट प्रीसेट, आपको रिनेम कर लेना है, जैसे कि मान लो मैंने कर दिया बैनर, ओके बैनर लिखकर मैं यहाँ पर सेव प्रीसेट में क्लिक कर दूंगा। अभी देखिए रिसेंट में और सेव में, सेव में एक आ गया फॉर्मेट, इसे आप डिलीट कर सकते हैं, और मान लो कभी आपको ओपन करना है किसी डॉक्यूमेंट को, आप बार बार यहाँ पर और सेटिंग नहीं करना पड़ेगा, आपको सिंपली ये आके क्लिक कर देना पड़ेगा और क्रिएट करना पड़ेगा। तो इससे पहले और कुछ बताऊं, और एक बात मैंने यहाँ पर देखे छोड़ गया था, आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक लिखा हुआ है आर्टबोर्ड्स, यह आर्टबोर्ड थोड़ा डिफरेंट है हमारे जो वर्क स्पेस में, तो वर्क स्पेस कुछ अलग काम के लिए यूज होता है और आर्टबोर्ड कुछ अलग ही काम के लिए यूज होता है। तो आर्टबोर्ड जो है हम बाद में जानेंगे, वो स्पेशल आर्ट के लिए यूज किया जाता है और किस तरह से यूज किया जाता है वो बाद में आपको बताऊंगा। ओके तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको कंट्रोल एन करना है, एन करने के बाद या इस तरह के एक न्यू डॉक्यूमेंट आएगा विंडो, वहां पर पहले रिनेम कर देना है, उसके बाद विड्थ हाइट देना है, पिक्सल्स रखना है या फिर इंचेस रखना है, सेंटीमीटर रखना है, ये आपको तय कर लेना है। उसके बाद आपको रिजोल्यूशन आपके हिसाब से, अगर मोबाइल के लिए यूज कर रहे हो तो 100 रखना, प्रिंट आउट के लिए अगर यूज कर रहे हो प्रिंट आउट के लिए तो आप आई थिंक 200 से 300 के बीच रखना, और यहाँ पर पिक्सल पर इंचेस रखना, पैरामीटर्स आरजीबी कलर मोड या फिर बिटमैप सीएमवाईके ग्रेस्केल, अगर आपको यहाँ कुछ रखना है तो रख लेंगे। और एक दिया गया है बैकग्राउंड कंटेंट्स, यहाँ पर अगर आप व्हाइट रखते हैं तो व्हाइट बैकग्राउंड दिखाई देगा वर्क स्पेस, जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ब्लैक अगर रखेंगे तो ब्लैक दिखाई देगा, अगर ट्रांसपेरेंट तो पीएनजी के लिए, ये किस लिए यूज किया जाता है मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप व्हाइट रख लेंगे या फिर आप यहाँ पर कस्टम चूज कर सकते हैं कौन सा आप चाहते हो। ओके तो इसको करने के बाद आपको सिंपली ये करना है कि आपको क्रिएट बटन में क्लिक कर देना है, इसको करते ही आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट दिखाई देगा, और क्लास 3 के नेम पे ऊपर देखिए, अगर आप ऑल की को प्रेस करके स्क्रॉल बटन को स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आपको जूम साइज दिखाई देगा, ओके आरजीबी दिखाई देगा यहाँ पर जिस भी फॉर्मेट में था कलर मोड में, और नाम दिखाई देगा किस डॉक्यूमेंट का किस नाम से सेव हुआ है, और अगर आप कंट्रोल और जीरो की को प्रेस करते हैं या आपके ओरिजिनल साइज में आ जाएगा फिट स्क्रीन में, और कंट्रोल 1 अगर आप प्रेस करते हो तो ये 100% पे ऊपर आप देख सकते हैं 100% में आ गया। ओके तो ये था हमारा आज का क्लास, किस तरह से हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं ये हमने जाना, और एक क्लास आएगा जिसमें मैं लेयर पैनल के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी दे दूंगा, पर आज के क्लास में और थोड़ा बता देता हूँ, ये जो फोटोशॉप का कोर्स है ना, इसमें आपको सबसे ज्यादा मदद करेगा एक चीज, वो है लेयर। मान लो कोई भी आप चीज बना रहे हो, मान लो मैं ये एक डॉक्यूमेंट लिया और वर्कस्पेस लिया, अभी ब्रश टूल को चूज करके, मैंने ब्रश को चूज करके यहाँ पर कोई भी काम कर रहा हूँ, फिलहाल देखिए इस तरह से मैंने ब्रश को चूज किया, छोटा किया, इस तरह से काम कर रहा हूँ, तो ये जो प्रिंट में कर रहा हूँ ना, ये किस पे कर रहा हूँ, मैंने जो डॉक्यूमेंट लिया है, जो वर्कस्पेस लिया है उसके ऊपर कर रहा हूँ, तो ये क्या हुआ ना, देखिए मैं अगर इस तरह से कर रहा हूँ और वापस मुझे याद आया कि नहीं मुझे इस तरह से करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इसको थोड़ा उठाकर कहीं दूसरा लेने के लिए, तो ये मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ना हमारे पर्टिकुलर इस वर्कस्पेस के ऊपर ही प्रिंट हो गया। मान लो कोई दीवार में आप पेंट कर रहे हो ब्रश से, तो वो क्या होता है, वहां पर आप परमानेंटली वो पेंट कर लेते हैं, अगर वापस आप चाह रहे हैं कि ये जो पेंट किया हुआ है उससे कहीं दूसरे जगह पे लेना मैं आप चाह रहा हूं, तो वो नहीं हो सकता है, वो परमानेंटली हो गया। पर मान लो कोई दीवार पे मिरर रखा हुआ है, उसके ऊपर मैं प्रिंट कर रहा हूं और वापस चाह रहा हूं नहीं यहां पर मुझे लगाना नहीं था वहां पर लगाना था, तो आप वापस उसे ले सकते हैं। तो इस तरह से आप ब्रश को यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर आपके जो बैकग्राउंड लेयर में है।
पर आपको सजेस्ट करूंगा कि बैकग्राउंड में कभी भी किसी तरह के काम नहीं करना, आपको यहाँ पे न्यू लेयर लेना है। और किस तरह से लेना है, सिंपली यहाँ पर आके क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आप अभी प्रिंट कर सकते हैं कुछ भी चीज। और वापस अगर आपको लगा कि नहीं मुझे यहाँ नहीं करना था, यहाँ करना था, तो आप सिंपली इसको क्लिक करके ऐसे ड्रैग करके ले सकते हैं। इसके बारे में और भी डिटेल में आगे जाके जानेंगे, बस आपको बता दिया कि ये जो लेयर नाम का चीज है ना, ये आपका बहुत ही बड़ा दोस्त बनेगा फोटोशॉप के अंदर, तो इससे मत भूलना। और इसके थ्रू हम सीखेंगे फोटो एडिटिंग को बेहतरीन तरीके से। ओके, तो ये था हमारा आज के क्लास। आज के क्लास में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर, और किस तरह के आप जो प्रीसेट सेव कर सकते हो, किस तरह की प्रीसेट इसके अंदर है, किस तरह से डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो। तो इसको लेकर आगे हम और भी कुछ चीजें जानेंगे, और अगले क्लास से हम शुरू करेंगे टूल्स के बारे में। टूल्स के बारे में हम इन डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से इसके जो टूल्स है उसे हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो तब तक आप भी कोई न्यू डॉक्यूमेंट बना लो और इससे थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। ओके, तो फिर मिलेंगे, इसे आप और भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।